हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सोसौंधी अकेडमी। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो ट्वीट के माध्यम से जो सूचना थी वो हमने आपको सुबह के वीडियो में बताई थी। बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि जो ये ट्वीट है वो ट्वीट पुराना है, वो ट्वीट अभी का नहीं है। तो हम आपको बताएंगे क्या है इस ट्वीट की सच्चाई, क्या पदों की संख्या हमने बताया था उसमें आपके की वृद्धि हो सकती है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्या इसकी रियलिटी है, क्या रिजल्ट में देरी के कारण जो आपको बताए गए थे ट्वीट इत्यादि के माध्यम से क्या वही कारण है। तो देखिए, इन सभी का हम अभी आपको स्पष्टीकरण देंगे। हमारे द्वारा सुबह जो वीडियो डाला गया था उसमें बताया गया था कि जो ट्वीट आया है उस ट्वीट के जरिए से सूचना दी गई, वो ट्वीट भी दिखा देते हैं हम आपको, उसमें क्या समस्या रही, क्या बात रही, वो हम आपको अभी यहाँ पर क्लियर कर देंगे। चलिए तो देखते हैं, फिर हम आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण इस चीज़ का देते हैं। देखिए, सुबह के वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि ये अतुल प्रसाद जी का जो ये ट्वीट है इसके माध्यम से उन्होंने बताया था। इसका हिंदी वर्जन भी हमने आपको दिखाया था कि जब हम टीआरई जैसी भाषाओं से निपट रहे हैं तो अयोग्य लोगों को हटाने के लिए मल्टी लेयर फिल्टरिंग की आवश्यकता होती है, यही हो रहा है और इसलिए सभी परिणाम इस फिल्टरिंग से उत्पन्न होने वाली कोई भी रिक्ति या एक अधिक पूरक परिणामों से भरी जाएगी। दे जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश की थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में देरी होने के क्या कारण है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में पोस्ट इंक्रीज हो सकती है या फिर क्या हो सकता है, जो भी पॉसिबिलिटी उसकी हमने जानकारी ली थी। वहाँ से जो सूत्र है वहाँ से 100% सूचना सही निकलती है, तो उनके द्वारा से हमें ट्वीट और ये अवेलेबल कराया गया था। तो उन सूत्रों के जरिए से हमें ट्वीट के माध्यम से मतलब अवगत कराया गया था, लेकिन हम वहाँ पर समझने में थोड़ी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग रही। हमने समझा कि ये नया ट्वीट है, यानी न्यू ट्वीट है, लेकिन हम आपको बता दें बिल्कुल जो आपने बताया था कि पुराना ट्वीट है, ये पुराना ही ट्वीट है। हमने क्रॉस वेरीफाई अब कर लिया है, तब हमने ये क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाया था, लेकिन एक बात हम आपको क्लियर बता दें, इसमें जो बताई गई बातें हैं या जो हमने वीडियो में बताई गई बातें थी वो सभी बातें बिल्कुल सत्य हैं। जो आपका टीआरई रिजल्ट सप्लीमेंट्री टू का जो टीआरई रिजल्ट है उसमें लेट होने के कारण सभी कारण यही हैं और अभ्यर्थियों पर काम किया जा रहा है और अयोग्य अभ्यर्थी हैं जो बायोमेट्रिक इत्यादि के कारण जो अयोग्य अभ्यर्थी पाए जा रहे हैं वो निकाले जा रहे हैं, उन सभी पर आपका पूरक रिजल्ट आएगा और एक से अधिक पूरक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इन सभी बातों में कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी काम यही होने, ये आपकी जो जानकारी है वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक बात जो हमने सुबह वीडियो डाला था उसमें थोड़ी सी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग का ही रीज़न समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, उसके स्पष्टीकरण के लिए हमने ये वीडियो बनाया है आपके लिए, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। तो हाँ, जो ट्वीट था वो पुराना है, लेकिन उस ट्वीट में जो कही गई बातें वो इसी बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बन रहा है उसमें लागू हो रही हैं। यानी कहने का मतलब है जो अयोग्य अभ्यर्थी है वो भी हटाए जा रहे हैं, फिल्टरिंग भी हो रही है और एक से अधिक आपके जो पूरक परिणाम अर्थात सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। और हमने आपको दूसरा कारण बताया था कि जो के पाठक जी हैं उन्होंने जो अपना पदभार तब छोड़ दिया था, तो 19 तारीख को उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया, तो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, जल्द ही तेज़ी दिखाई देगी। तो सभी बातें सही हैं सुबह वाले वीडियो में, केवल आपका जो ट्वीट है वो ट्वीट पुराना है, वो हमसे मिस्टेक हुई है, उसे हम मानते हैं, तो इसीलिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया था। तो आप बेफिक्र रहें, हम आपको जो भी सूचनाएँ देंगे वो सूचनाएँ अपने जरिए से गलत देने की कोशिश कभी भी नहीं करेंगे। बाय द वे, मिस्टेक अगर हमसे कोई सूचना गलत हो जाती वो बात अलग है, अन्यथा हम अपनी तरफ से सूचनाएं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करके देंगे और आगे से हम जो भी सूचना होगी उसे क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद में ही आपको अवेलेबल कराएंगे। सूचना है वो भी सूचना अभी भी सही है, लेकिन बस एक ही मिस्टेक है कि ये जो ट्वीट है वो रियलिटी में पुराना है और जो आपकी पोस्ट है उसके इंक्रीज होने की पूर्ण रूप से संभावना है। आपकी पोस्ट निश्चित ही जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में पहले या 14,762 बताई गई थी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है, निश्चित ही उसमें पोस्ट इंक्रीज हो सकती हैं आपके। और जो देखिए, हमने भाषा अर्थात संबंधी आपको बताया था कि कोर्ट केस लगा हुआ है, उसकी आपको जल्द ही सुनवाई देखने को मिलेगी। उससे जो अपडेट हमने दी थी आपको, उससे संबंधित वीडियो डला हुआ है चैनल पर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।